हे बॉयज, आप लोग कैसे हो। रीबर्थ ऑफ द फर्स्ट अर्बन इमॉर्टल एम्परर के पिछले एपिसोड में देखा था मैनकेट पे बुलाने पे जो मिसिंग है यहाँ पे आ गई थी, और वो देखने के बाद पूरा ऑफिस में हल्ला मच गया था। और बाद में मैनकेट और मिसिंग ने यहाँ पे लंच किया था, और फिर मिसिंग ने कहा था कि मैं अपने काम पे वापस जा रही हूँ, अगर तुमको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो, और वैसे भी आज रात को हम मिलने वाले, और वो कहने के बाद वहाँ से चली गई थी। और तभी मैनकेट को यहाँ पे किसी का कॉल आया था, और अब आगे तो जो मैनकेट कॉल को पिकअप करता है, और यहाँ पे सामने में जो होती है, और वो कहती है कि मिस्टर यांग, आज हमने छोटा सा एक बेनिफिट रखा है, क्या मैं यहाँ पे किसी को लेने के लिए भेज दूँ। तो वो सुन के जो मैनकेट था वो कहता है कि आप यहाँ पे पक्का होना, आपके मैं बैंक्वेट में आऊंगा तो यहाँ पे किसी को भी परेशानी नहीं होगी। तो वो सुनने के बाद जो मिस निंग होती वो कहती कि मिस्टर ये आप यहाँ पे क्या बात कर रहे हो, यहाँ पे किसी को भी परेशानी नहीं होगी, और क्या आपको यहाँ पे कुछ स्टाइल की जरूरत है, और क्या मैं आपके लिए कुछ नए कपड़े भेज दूँ। तो वो सुनने के बाद जो बैंक्वेट था वो कहता कि नहीं, मैं यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा बिजी हूँ, और वैसे भी मैं ऐसे कपड़े पहन के आऊंगा तो क्या आपको यहाँ पे एम्बेरस होना पड़ेगा मेरी वजह से। तो वो सुन के जो मिस चू होती वो कहते हैं मिस्टर ए आप यहाँ पे क्या बात कर रहे हो, आप हमारी फैमिली के यहाँ पे स्पेशल गेस्ट हो, और आप यहाँ पे कुछ भी पहन के आओ, यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और फिर कहते हैं कि प्लीज मुझे यहाँ पे थोड़ा टाइम दो, मुझे यहाँ पे थोड़ा काम आ चुका है, मैं आपको 10 मिनट के बाद कॉल करती हूँ। तो वो सुन के जो मैनकेट होता वो कहता कि हाँ ठीक है। और फिर हमको वहाँ से एक लग्जरियस होटल का सीन दिखाया जाता है, और उसका नाम मून प्लेस होता है, और उसमें यिंग और शाओ भी आए होते, और वो यहाँ पे कहते कि जो मून प्लेस है काफी ज्यादा लग्जरियस है, और सच में यहाँ पे जियांगनांग सिटी की टॉप होटल है, और कहती है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा कूल है, बड़ी चू फैमिली से इन्विटेशन लेना, ऐसे बड़े लग्जरियस बैंकेट अटेंड करना। तो वो सुनने के बाद यांग होता है वो कहता है कि ऑफ कोर्स जो मेरे फादर उनकी यहाँ पे बहुत अच्छी रेपुटेशन है जियांगनांग में, उसकी वजह से यहाँ पे चू फैमिली उसने यहाँ पे इनविटेशन दिया है। और फिर तभी यहाँ पे शाओ की नजर मैनकेट पे जाती है, और कहती है ये तो यहाँ पे ये चैन तो नहीं है। तो वो सुनने के बाद जो बंदा होता है वो कहता है कहाँ, और फिर सामने देखते हैं तो उनके सामने मैनकेट एकदम शांति से बैठा होता है, और यहाँ पे यू शाओ होता है कहती है क्या ऐसा हो सकता है कि वो यहाँ पे मिस निंग के साथ आया होगा। सुबह तो यहाँ पे मिस निंग ने मदद की थी अपने बिजनेस के काम के लिए, पर कोई बंदा कैसे इतना ज्यादा सेमलेस हो सकता है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मिस निंग है यहाँ पे नहीं आई। और यहाँ पे यंग होता है वो कहता है यहाँ पे इम्पॉसिबल है, और अगर ये उसको यहाँ पे लेके आई तो उसके साथ एग्री की हुई तो वो यहाँ पे ऐसा करती है तो उसके लिए बहुत ज्यादा शर्म की बात होगी। और यहाँ पे यंग होता है वो कहता है कि यहाँ पे तो अपनी मौत को भुला रहा है चू फैमिली के बैंकवेट में आके। और यहाँ पे यूशा होती है वो कहते कि सिक्योरिटी गार्ड तुम लोग यहाँ पे कहाँ पे हो, यहाँ पे स्ट्रेट और गुस्सा आया है मून प्लेस में, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, फटाफट उसको बाहर निकालो। और उसकी आवाज सुन के जितने भी सिक्योरिटी गार्ड है मैनकेट के आसपास आ जाते हैं, मैनकेट से पूछने लगते तुम यहाँ पे कैसे छुपे मून प्लेस में आ सकते हो। और दूसरा गार्ड होता है वो कहता है कि यहाँ पे चू फैमिली का बैंकवेट है, क्या तुम अपनी मौत को भुलाना चाहते हो। और मैनकेट को यहाँ पे कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है। और यहाँ पे यांग होता है वो कहता है कि मेरे फादर यांग जाओ यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट में हेड है, और ये बंदा मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, और मेरा एक क्लासमेट है, और ये बंदा यहाँ पे पूरा ब्रोक हो चुका है, उसके पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ये बंदा यहाँ पे कैसे प्लेस होटल में आ सकता है। और यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड होता है वो कहता है जैसा यंग मास्टर यांग ने कहा कि तुम यहाँ पे पक्का होना कि तुम यहाँ पे कोई दूसरी जगह पे नहीं आए हो, और क्या तुम मुझे इन्विटेशन दिखा सकते हो। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर था वो कहता है कि मुझे यहाँ पे मिस चू ने बुलाया है और उन्होंने यहाँ पे मुझे इनवाइट किया है। तो वो सुनने के बाद जो यांग होता है वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पे मिस चू को अपने नाम से बुलाने की। यहाँ पे शाओ होती है वो कहती है ये चेन तुम यहाँ पे और सबको पागल नहीं बना सकते, तुम यहाँ पे सब कुछ झूठ बोल रहे हो, और तुम्हारे पास इतनी पावर कहाँ से आ गई कि तुम यहाँ पे चू फैमिली के सेलिब्रेशन में आ सको। और यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो कहता है मिस्टर तुम यहाँ पे इन्विटेशन नहीं बताओगे तो फिर हमको ब्लेम मत करना, हम तुमको उठा के बाहर फेंक देंगे। और तभी यहाँ पे जो मिस चू वो आ जाती है और कहती है रुक जाओ, और यहाँ पे किसकी हिम्मत हो गई मिस्टर या को इतनी बुरी तरह से ट्रेक करने की, क्या वो यहाँ पे मेरी बेड साइड देखना चाहता है। और यहाँ पे वो देखने के बाद सारे लोग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। और यहाँ पे यांग होता है वो कहते हैं कि मिस चू आप उसको यहाँ पे मिस्टर यांग क्यों बुला रही है। और यहाँ पे मिस चू मैनकेट के पास जाती है और यहाँ पे माफी मांगती है, और वो देखने के बाद यहाँ पे यूशा वो देखने के बाद पूरी भड़क जाती है और कहते कि मिस चू एक नंबर का यहाँ पे झूठ है और आपको इसकी बात नहीं माननी चाहिए, और यहाँ पे सुबह एक सेलिब्रिटी पे लाइव मार रहा था और अभी आपको यहाँ पे पागल बनाने की कोशिश कर रहा है।
तो वो सुनने के बाजू मिस्टियो गुस्से में बोलती है, तुमको मुझे बताने की जरूरत नहीं, मुझे यहाँ पे क्या करना है। और दूसरों को ब्लेम करने से पहले तुम अपने आप को देख लो। और सिक्योरिटी गार्ड से कहते कि इन लोगों को यहाँ पे बाहर फेंक दो। और वो सुनने के बाद जो सिक्योरिटी गार्ड बिल्कुल वैसा ही करते। और यहाँ पे जंग होता है, वो कहता है कि मेरे फादर यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट में हेड है और यहाँ पे जो फैमिली ने एडिशन दिया है तुम ऐसा नहीं कर सकती। पर यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड है उसकी बिल्कुल बात नहीं सुनते और उनको बाहर फेंक देते। और यहाँ पे युशावा होती, वो कहती कि मेरे यहाँ पे सारे कपड़े खराब हो गए। पर यहाँ पे युचन जैसे बंदे को जो मिस चुए को ऐसे ट्रीट क्यों कर रही है, बंदा यहाँ पे बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता। और फिर यहाँ को उसके पापा का कॉल आता है और वो कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या करने के लिए गए थे, जो यहाँ पे चू फैमिली उसने यहाँ पे इनविटेशन वापस ले लिए। और एक बात, जिस बंदे ने मिस चू की जान बताई थी उसका यहाँ पे सन्ने में या है। तो वो देखने के बाद जो युशा होती वो कहती यंग यहाँ पे क्या चल रहा है। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे यंग होता है वो कहता है कि मेरे पापा ने कहा कि जो इनविटेशन है वो वापस ले लिया है और यहाँ पे मिस चू की जिस तरह जान बचाई थी उसका सन्ने में या है। मेरे हिसाब से यहाँ पे याचन हो सकता है। तो वो सुनने के बाद युशा होती वो कहती कि यहाँ पे इम्पॉसिबल है। और हम वहाँ पे पहुंचे तो उसका यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, तो वो यहाँ पे कैसे मिस चू को बचा सकता है। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे यंग होता है वो कहता है मुझे जहाँ तक याद है वो एचएन है, वो यहाँ पे मिस चुके कार से टकराया था, पर वो कैसे यहाँ पे उनकी जान बचा सकता है। और यारो जो हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, आगे देखेंगे जो युशाओ और यंग है वो आगे क्या करेंगे। तब तक आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय और सायोनारा।